to change your language preference. I did not quite understand what you said. Here is what I can help you with. तो भाई गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि कल से थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, सो अभी ऊपर आ गए उठ के और तो अभी वॉक करते हैं और देखते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो पाती है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल. These skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught off guard. तो ये स्कूल टाइम की ही रॉड और प्लेट पड़ी हुई है मेरे पास. मतलब जब मैं 9th 10th में था, जब भैया लेके आए थे तब थोड़ी बहुत जिम किया करते थे. तो अब मुझे लग रहा है कि इसका बेटर यूज़ हो पाएगा लॉकडाउन में, तो अभी इसी से काम चलाएंगे. तो फ्रेंड्स, आज अब पहला दिन है तो थोड़ा सा वार्म अप कर लिया और बेसिक अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया, जिससे कि थोड़ी बॉडी गर्म हो जाए और आगे वाले दिनों में ज़्यादा दिक्कत ना आए. तो देखते हैं कि रेगुलर हो पाता है कि नहीं हो पाता है. कोशिश तो पूरी रहेगी कि रेगुलर करें, मॉर्निंग में इवनिंग में जैसे भी टाइम मिलता है. सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट. तो ये अपना छोटा सा फार्म हाउस और वो खड़ी अपनी ब्रीज़ा. तो फ्रेंड्स, ये देखो फार्म में कितनी सारी मतलब अच्छी अच्छी सब्जियां लग रही हैं घर पे ही. तो ये सामने जो आप देख रहे हैं तोरे की बेल है, और ये नीचे भिंडी, यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन के पेड़ हैं ये. और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये नींबू का पेड़ है, और नीचे पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा. और ये बीन्स हैं, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ घर पर बीन्स के पेड़ लगाए हैं पापा ने, तो अच्छे से हो रहे हैं ये भी. और आगे चलेंगे तो ये दो क्यारियाँ अभी, इनमें पता नहीं कुछ लगाया हुआ है लेकिन अभी आया नहीं है. और ये सामने ये देख रहे हैं आप, ये भी बैंगन के पेड़ हैं, बैंगन काफ़ी सारे लग रहे हैं. और ये करेले की बेल है, और आप देखिए किस तरीके से ये लगाई हुई है, मतलब अमेजिंग. और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पालक है दो क्यारी में, और वहाँ पे भी बीन्स हैं कुछ. सामने मूली है, पालक है, पुदीना है, और ये करौंदे का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमरूद का पेड़, और काफ़ी सारे अमरूद भी इस बार लगेंगे इस पे. तो एक बात तो है फ्रेंड्स कि सुबह सुबह उठ के एक अलग ही फील आता है, अलग मज़ा आता है. ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो सनराइज़ को देखना तो अच्छा तो लगता है, और मन करता है कि डेली उठ के सुबह वर्कआउट करें और मेहनत करें. लेकिन क्या करें, आजकल लेट इतना सोते कि सुबह उठने का मन नहीं करता. लेकिन फिर भी संतु बहुत ज़्यादा प्रयास करता है सुबह 5 बजे उठ के, फिर फ्रेश व्रेश होके मुझे उठाएगा और ज़बरदस्ती लेके जाएगा, वर्कआउट खुद करता है. फिर आज से मुझे भी इसने स्टार्ट कर दिया है, तो ये अच्छी चीज़ कर रहे हो भैया. भैया रात में पता है कैसे कैसे मैंने कसम दे दलों के, उठना है मेरी कसम खाओ. और सुनो, मैं ब्लॉग में झूठ ना बोलूंगा, कल तो इनने कसम भी झूठी खा ली और धोखा दे दो और पता ना काका कर दो, कोई बात ना. पर अब तो उठे, अब डेली चलेंगे है ना. तू सुमन तो देकर मुंह ढंगते, सुमन ना दे दे तो 1 बजे सुन दे तो तुम रात में तो 1 बजे सोंगे तो 5 बजे कैसे उठेंगे, तू बताइए ना. कि चुनाव उठ पाएंगे 4 घंटा में, फिर पूरे दिन कैसे काम होगा, सब है जाएगा, फिर सोले करेंगे दिन में ना सो मत. हम भैया जी, WHO कोई सी साइड है कोरोना वायरस ने चलाई है, कोई दिक्कत विक्कत हो तो पूछ ले करो. तो भैया मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी मैंने कि कब तक चलेगा ये,
तो भैया माते लिखो आई वांट टू चेंज योर लैंग्वेज प्रेफरेंस आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड हियर इज व्हाट आई कैन हेल्प यू विद तो भैया मेरा पल्ले परो खाए रही है फिर मैं नीचे न्योल लिख दे भी क्या देख कैसी अचक अचक आ रही है फैल रही है कहूँ ना फैल रही है आजा चुपचाप सीधी सीधी फैल रही है ऐसी कहूँ बाल्टी ना लेके आई तू उठा के चाय लाइए हो का देख के सर मुँह में पानी आ जाए वो भोजा ये देख लियो नहीं सवेरे सवेरे तो इतना इंतजाम कर लाइयो अरे वाह ये तो भर के मग्गा चाय ले आई हो तुम दे दोगी ले धर दो खाओगे का तुम कहाँ खा पाओगे जहाँ में तो मैं ही खा ले तू फोन मुंह पे चोई लगाए रख तो नहीं होता होगे तुम हमें अच्छी लगते हो मैं कहा कहूँ यार चाय फैलवा दी तेने मेरी लव यू कोई तो रोक ले हो तो चलिए समीर से पूछते हैं कि व्लॉगिंग क्यों अच्छी लगती है और हम लोग क्यों इतना वीडियोस बनाते हैं और क्या मजा आता है हम लोगों को ये वीडियोस बना के तो समीर बताएगा बेटर इस चीज को हाँ भाई भैया मैंने तो कब छठे चौमासे बारिश के मौसम में उन्हें सोची कि मैं यह कार्यक्रम में करूँगा अच्छा पर बहुत दिमाग में एक वो भाई तुम्हें देखते देखते के तुम कर रहे हो तो मजा आता क्योंकि लोग तो सब किससे सुनाते हैं और हम किससे अपने दिखाते हैं ये व्लॉग का टशन है नहीं मतलब एक चीज ये है कि लोग अपने बच्चों को किससे सुनाएंगे और हम अपने किससे दिखाएंगे तो ये व्लॉगिंग का टेंशन है और ये पैशन है जो हमें आगे खींचता है काम करने के लिए सो तो समीर ने ट्रे नीचे रखी थी एक सेकंड नहीं हुआ और आप देखो कितनी सारी चींटियां आ गई हैं लाइन लगा के और मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये महिलाओं वाली सारी क्वालिटी चींटियों में होती है एक चींटी आई थी और उसने हल्ला कर करके बाकी सारी चींटियों को बुला लिया और यहाँ पे मजमा लग गया भीड़ लग गई है और ये देखो सब नाश्ता पानी खत्म कर दिया इन लोगों ने ये देखना कितना सोआ पड़ रहा है हाँ भाई उठ जाओ अब 8:30 बज गए देख गुल्लो सबसे पहले जगी है मोना रियांश कनिका उठो चलो 8:30 बज गए यार तो ये रही अपनी धन्नो तो आज इसको बाहर निकालेंगे और चलेंगे थोड़ा मार्केट की तरफ और जब भी मैं ऐसे देखता हूँ पता नहीं क्यों ऐसा मन करता है कि इसको कहीं लंबी राइड पे लेके जाऊँ लेकिन अफसोस ये लॉकडाउन तो हम आए फेस वॉश लेने अपने लिए बिकॉज फेस वॉश ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बिकॉज ये फेस ही तो है बस इसी के तो पैसे हैं बाकी तो कुछ है ही नहीं तो फेस वॉश ले लेते पहले तो भैया शेविंग तो कर लेते हैं अपने आप लेकिन बालों की बड़ी समस्या है अभी जस्ट कटिंग कराई थी 10-12 दिन पहले और फिर बाल आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो गए तो अभी क्या करेंगे अभी घर पे ही इनका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे तो आज जो हमारे स्पेशल बार्बर हैं वो बहुत दूर से आए हैं उनको हमने बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है टाइम निकाल के सो चलिए उनसे अब अपने बाल कटवाते हैं
जी देखो हमारे घर में ही नगुआ है भैया, देख लो वाई फाई नगुआ आएंगे हाई फाई की। एक कहा करवा रहे हो तुम, आराम से काटना यार, बिगाड़ मत, बिगाड़ दूंगी सब, बिगड़ गए अब क्या है। तो बाल एकदम सेट हो गए, मतलब उम्मीद नहीं थी कि घर पे वाईफाई इतने अच्छे से काट देगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काट दिए और काम चल जाएगा लॉकडाउन के टाइम पे। तो गाइज नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए और अभी हम करेंगे अपने एडिटिंग का काम, बिकॉज काफ़ी सारे व्लॉग्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो उनकी एडिटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। सो नाउ इट्स द लंच टाइम और कल से वाईफाई को टोका है, तो मीठे में देखो आज सेवैयाँ बनी हैं। और इस आदमी को आप पहचान ही गए होंगे, ये ना नहाए हैं ना धोए हैं और देखो कैसे पट्टी लगा के बैठे जाड़ो पर रहो का। सवेरे 5 बजे जगह तो अब दिन में सो मत, तो क्या फायदा, जो फायदा जो नहीं, सुबह खाते हो फिर खा रहे हो, तुम्हें क्या फायदा कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं अब उन लोगों से जो हमारी वीडियोस पे डिसलाइक का बटन दबाते हैं और शायद उनको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरी और आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी आप बिना कारण के डिसलाइक का बटन दबाते हैं। बिकॉज एक ऑप्शन भी आता है कमेंट्स के, अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन विदाउट एनी रीज़न अगर डिसलाइक का बटन दबाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज यार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तब जाके एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो तैयार होता है, तो उसके पीछे का हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बस एवं ही आप डिसलाइक ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मुझे पता है कि आप ये वीडियो देखोगे, बिकॉज लाइक करने वाले वीडियो देखें ना देखें, लेकिन डिसलाइक करने वाले लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं, तो मुझे पता है कि आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं आप भी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप रीज़न बताएं, मैं उन पर काम करूँगा और आपकी जो भी नाराज़गी है, जो भी आपकी गलतफहमियाँ हैं, उनको मैं दूर करूँगा और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो क्या बना रही हो आज वाईफाई? भाव भाजी, मतलब पाव भाजी। पाव भाजी, अरे वाह, मतलब वर्कआउट का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है और वैसे भी अब जाते भी नहीं है, ठीक है। नहीं, आज से शुरू किया है मैंने यार, और आपके चक्कर में हम लोग कुछ नहीं खा पाते और आप भी जाते नहीं, तो इसलिए हम बना ही लेते हैं। तो तुम बना लिया करो, कोई बात नहीं, मैं तो डॉक्टर की सुनता हूँ नहीं, मैं तो खा लूंगा यार, कोई बात सुननी चाहिए ना। अरे क्या करेंगे, सुन के छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो मौज लो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग में बहुत जल्दी। सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट स्टे फिट एंड स्टे एट होम। और आज प्लीज़ लाइक करके चले जाना, और थोड़ा भी आप हमसे चाहते हैं, थोड़ा भी आप हमसे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे एक ग्रे कलर का बटन है, विदाउट एनी एफर्ट आप उस पर क्लिक करेंगे और वो ब्लू हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है, तो प्लीज़ कर देना यार। और बाकी माता पिता और चाहने वालों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। डोर